हेलो एवरीवन, नीलूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बटर का हलवा लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी यम्मी है। और इस हलवे के सामने बाकी के सारे हलवे जो है वो फीके पड़ जाएंगे, तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं 200 ग्राम मटर के दाने, और इसे हमने उबाल लिया है, अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। अब हमने इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हम बनाएंगे मटर का हलवा। अब हमें पैन में लगभग 70 ग्राम के करीब देसी घी लेना है। और इसके अंदर हम डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप आपके इच्छा अनुसार कम ज्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 50 ग्राम के करीब लिए हुए हैं। अब मैं इन सबको अच्छे से रोस्ट करूंगी। अब ये अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इसी घी में हमारे जो हमने मटर को जो पीसा है वो हम डालेंगे। और इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमें इसे अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसमें से खुशबू ना आए। अब देखिए हमारा जो हलवा है या फिर हमारा जो पिसा हुआ मटर है उसने पूरा घी सोख कर लिया है और इसमें खुशबू भी आने लगी है, मतलब ये अच्छी तरीके से भून गया है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी ये हलवा बनाएं तो आप नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करें। अगर आप एल्यूमिनियम या स्टील में बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा चिपकेगा और आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी इसे बनाने में। तो देखिए ये इस मटर ने जो हमने घी डाला था इतना सारा, वो पूरा इसने सोख कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे खोया, जो कि लगभग मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब लिया हुआ है। इसे हम डालेंगे और इसे भी डालकर हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये बहुत ज्यादा टेस्टी और लजीज रेसिपी है। हम एक सब्जी से भी इतना टेस्टी हलवा बना सकते हैं, जिसके सामने गाजर का हलवा या लौकी का हलवा या मूंग दाल का हलवा भी फीका लगने लगे। तो देखिए इसे भी जो हमारा खोया है उसे भी हमने मिला लिया है इसमें। अब हम इसमें बाकी की सामग्री भी डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें इलायची का पाउडर, जो कि मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब लिया हुआ है। फिर हम डालेंगे यहाँ पे कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें शुगर। शुगर आप आपकी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, जितनी आप मीठा खाना पसंद करते हैं। और इसमें हम डालेंगे लगभग 50 ग्राम के करीब दूध। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, जो कि हमने फ्राई करके रखे थे या रोस्ट करके रखे थे, वो हम डाल देंगे। बस हमें इसे ठीक होने तक या हमारा हलवा बनने तक अच्छी तरीके से भूनना है। ये इतना टेस्टी हलवा है कि मेरे ख्याल से आपने कभी ऐसा स्वादिष्ट हलवा नहीं खाया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप घर पे इसे जरूर जरूर बनाइएगा। आप एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाने का मन करेगा आपका। तो इसे आप जरूर घर पे ट्राई कीजिए।
ये इतना स्वादिष्ट हलवा है कि मुझसे तो इंतजार ही नहीं होता है कि कब पकेगा और मैं कब इसे खाऊंगी। अब ये देखिए हमारा हलवा जो है वो रेडी होने आ गया है। अब इसकी खुशबू मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, वरना मैं जरूर आपको मोबाइल से इसकी खुशबू भेजती। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बना है। एक मटर से हम इतना स्वादिष्ट हलवा बना सकते हैं, ये आप कभी यकीन भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब हमारा जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो सिर्फ ये हलवे की रेसिपी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक मिठाई बताने वाली हूँ, जो कि दूध पाउडर मींस मिल्क पाउडर और मटर की मिठाई है, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी यम्मी डिलीशियस है। तो आप आगे का वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हमारा हलवा रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा सुपर टेस्टी मटर का हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ज्यादा मजेदार टेस्टी यमी बना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मटर का हलवा और मिल्क पाउडर की मिठाई लेके आ रही हूँ, उसे भी आप जरूर देखिए। आई होप आपको वो भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रेसिपीज में लेके आते रहूंगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।